आपने ये कहा था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा है कि क्या सुत का मतलब आप जानते हैं? केवल एक क्वेश्चन है बस। मैंने दावा नहीं किया, मैंने उनसे सवाल पूछा, वो बुद्धिस्ट है, मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई नहीं, आप जी जी आप कहिए, आपकी बात सुनिए, आप खामोश हैं। हां ठीक ठीक ओके। क्या सुत के बारे में आपने पढ़ा है कभी? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। जो आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि यदि आप बुद्ध पर कभी भी टिप्पणी करें तो पहले उसकी जानकारी करने के बाद करें। मैं सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, जो लफ्ज है सुक्त आपने बोला, आप मुझे वो समझाइए क्या सुक्त नहीं सुत्त। सुत्त, अच्छा ठीक है, हाँ बताइए क्या है। हाँ नहीं, अब वो तो बात खत्म होगी ना, मैं अपने मूल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सुत्त पिटक एक बुक का नाम है। वो तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई नमरूद ने किताब लिखी थी, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आपको सुत्त पिटक के बारे में जानकारी है, जो उसकी मूल किताब है, जो फंडामेंटल बुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सत्येंद्र सिंह आकर मुफ्ती साहब से ये डिबेट करने लगते हैं कि भाई सुत्त क्या है। जी हाँ दोस्तों, तागूत ये वर्ड पुराना हो गया, जो साहिल अदीम साहब ने पूछा था एक मोहतरमा को, एक बहन को, और यहाँ पर वही शायद क्लिप देखकर सत्येंद्र सिंह भी आ गए हैं और उन्होंने भी घेरना चाहा है मुफ्ती साहब को सुत्त इस वर्ड के ऊपर। वो मुफ्ती साहब से बार बार यही पूछते रहते हैं कि भाई आपको सुत्त का वर्ड, ये जो सुत्त वर्ड है इसका मतलब आपको पता है? मुफ्ती साहब यहाँ पर बेशक अटकने वाले हैं क्योंकि उनको नहीं पता, और उन्होंने ये कभी दावा भी नहीं किया है कि मुझे दुनिया की हर नॉलेज है और किसी को भी नहीं होती। तो यहाँ पर वीडियो और डिबेट बहुत ही ज्यादा फनी होने लगती है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो है, साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते मुफ्ती जी। जी आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो आज हमारी बातचीत, हमारी पहले भी एक बार बातचीत हुई थी, याद है आपको? नहीं मुझे याद नहीं है, अगर आप याद दिलाएंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह। जी वो बातचीत से याद, या तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो या फिर मुझे पूछने दो, ये हम इस तरह से रखेंगे, क्योंकि जब मैं शुरू करूं तो फिर आप क्वेश्चन मत पूछ, मतलब जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो मुझे ही क्वेश्चन पूछने का अधिकार देना, नहीं, या फिर आप क्वेश्चन पूछिए। ये कोई रूल नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो जिस तरीके से जब गुफ्तगू आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि गुफ्तगू में कोई भी बात आ सकती है, मैं किसी बात की वजाहत आपसे चाह सकता हूँ, सवाल कर सकता हूँ। ठीक है, इंटरोगेशन कोई चल रहा है, ये तो गुफ्तगू चल रही है। ठीक है, हाँ तो गुफ्तगू में मुझे अपनी पूरी बात मुकम्मल हो जाने के बाद ही आप प्रश्न करें तो ये बेटर होगा, ऐसा मैं भी करूँगा। ठीक है, आपको, हाँ भैया टाइमर लगा दीजिए, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, चलें, मैं खामोश हूँ। नहीं मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप मेरे से पूछिए। मैं हिंदू, मैं सनात, अब आप 2 मिनट शुरू करें। चलो ठीक है, 2 मिनट शुरू करता हूँ। अभी मैं पिछले 3 कॉलर से आपके साथ हूँ, तो उसमें पहला, अभी जो बच्चा गया है, क्वेश्चन पूछा था उसने, तो आपने कहा था कि बुद्ध में कोई, बुद्ध की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, आपने ये कहा था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा है कि क्या सुत्त का मतलब आप जानते हैं? केवल एक क्वेश्चन है बस, मेरा 2 मिनट खत्म। सुत्त, ठीक, आपने ये कहा कि भाई चलो मैं टाइमर हटा दें, मैं तो समझ रहा था बहुत लंबी कोई चौड़ी कोई बात ना, ना वो ज्यादा नहीं है, मैं तो फिर बहुत छोटी छोटी बातें। अच्छा जी सही है, तो खैर बाज मरतबा लोगों को हम 2 मिनट देते हैं, वो कहते हैं कि अभी और टाइम चाहिए, आपको आपने 1 मिनट के अंदर ही कर दिया, बल्कि और भी कम में। तो एनीवेज, मैं तो एक क्वेश्चन, मैंने उनसे दावा नहीं किया, मैंने उनसे सवाल पूछा, वो बुद्धिस्ट है, मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई नहीं आपका, जी जी आप कहिए, आपकी बात सुनिए, अब आप खामोश। ठीक ठीक ओके। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई बुद्धिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उन्होंने मना किया क्योंकि वो खुद बुद्धिस्ट है। मैंने कहा ठीक है, नहीं है, मेरा दावा नहीं है, अगर है तो पेश करो। ठीक है, लेकिन आप हालांकि उसमें अगर आप देखेंगे तो आपने कहा कि बुद्ध के पास कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये आपने कहा, उसने कंफर्म किया ना। ठीक है चलो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या सुत्त के बारे में आपने पढ़ा है कभी? नहीं मैंने नहीं पढ़ा, आप बताइए। ठीक है कोई बात नहीं, ये क्योंकि सुत्त पिटक उसका मूल है बुद्ध का, जो आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि यदि आप बुद्ध पर कभी भी टिप्पणी करें तो पहले उसकी जानकारी करने के बाद करें। नहीं ठीक है, आप मुझे बताएं ना, आप आ गए चुके, अब मैं आगे चल रहा हूँ। पिछली बार हमारा और आपका संवाद हुआ था धर्म पर और दीन पर, मैंने कहा था कि आप धर्म, होल्ड ऑन, अभी आगे ना चलकर आपने वो जो लफ्ज बोला है जी, आप वो समझाएं, और आप बुद्धिस्ट है ना?
नहीं मैं बुद्धिस्ट नहीं। अच्छा बुद्धिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं ना, मैं बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, जो लफ्ज है सुक्त आपने बोला, आप मुझे वो समझाइए क्या। सुक्त नहीं, सुत्त। सुत्त, अच्छा ठीक है, हाँ बताइए क्या है। हाँ नहीं, अब वो तो बात खत्म हो गई ना, मैं अपने मूल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने ठीक है, चलो मैं अभी समझा देता हूँ सीखने के लिए। ओके, नहीं नहीं आप सीखने के लिए नहीं, आपकी ये स्ट्रेटजी होती है कि इसी में फिर आप आगे बढ़ोगे, आपको मालूम है कि इसमें मैं मेरे पे आने दो। सुत्त का मतलब ये है, सुत्त का मतलब होता है सूत्र। मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सुत्त का मतलब होता है। एक मिनट, आपने कहा मेरी ये स्ट्रेटजी होती है, मेरे भाई मुझसे डर क्यों लग रहा है इतना, यानी कुछ भी बोलते हुए इतना डर क्यों है कि पहले ही फील्डिंग सजा लो, पहले ही बता दो कि मुफ्ती साहब मेरे ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए मैं जो बोलूंगा, ये क्या बात है? साहब नहीं, मुफ्ती जी। ये कमाल की बात है भाई, यानी हमारा आपसे सवाल करने की गलत है, हैं? जी अब बोले। आप अपने नाम के पीछे भी साहब लगाते हैं और मोहम्मद जो रहमतुल आलमीन है उनके पीछे भी साहब लगाते हैं, तो आप एक तरह से उपाधि में उनके बराबर अपने आप को मानते हैं, इसलिए मैं आपके पीछे साहब नहीं लगा रहा, जी लगा रहा हूँ। चलो ठीक है, सुत्त का मतलब होता है, इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। हाँ चले आगे करें, आगे बात करें। सुत्त क्या है? सुत्त होता है जो बुद्ध ने सूत्र कहे हैं, आज की भाषा में जिन्हें सूत्र कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, उनको पाली भाषा में सुत्त कहा जाता है। और पिट्टक का मतलब होता है टोकरी, बास्केट। तो ऐसे सूत्र जो एक किताब में है उसको सुत्त पिट्टक एक किताब कहा गया है, ऐसे एक अवधम्म पिट्टक है। जी बस ठीक। अच्छा जी, वो क्या सुत्त पिट्टक है, वो कौन सी किताब में हो, कुछ सुत्त हमें बताएं। अरे अब मैं अपने मूल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, अब मुझे मालूम है, कमाल की बात है। आपने कहा एक टोकरी में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, भाई बताओ को किधर टोकरी किधर है, उसमें श्लोक क्या है बता दो चले। सुत्त पिट्टक एक बुक का नाम है, वो तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई नमरूद ने किताब लिखी थी। सुत्त पिट्टक लिखी, होल्ड ऑन, सुत्त पिट्टक और अविदम्ब पिट्टक इस तरह से तीन पिट्टक हैं और उनमें से पहला है सुत्त पिट्टक। सुत्त पिट्टक एक किताब है। सुत्त पिट्टक क्या, तारुफ कराइए क्या है वो, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है। आपने कहा ना कि भाई आपने फला लड़के को ये कह दिया कि बुद्धिज्म का कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी बुद्धिज्म में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो आपने सुत्त पिट्टक में पढ़ी है, तो मुझे बताएं क्या है भाई। हाँ ये सवाल मैंने आपकी बात इसलिए काटी है कि आपने ये कहा था कि बुद्ध की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो मैंने ये पूछा था कि क्या आपको तो मुझे वो पेश करें। जी मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आपको सुत्त पिट्टक के बारे में जानकारी है, जो उसकी मूल किताब है, जो फंडामेंटल बुक है, जो आपने कहा कि वो नहीं है, तो नहीं मैं उसमें क्यों आगे जाऊँ। मैं उसके बारे जिस दिन मैं बुद्ध पे बात करूंगा, आज मैं केवल इस्लाम पे बात करूंगा, बात नहीं सुनूंगा। आपको है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दो। मुझे जानकारी है पर आज नहीं दूंगा, मैं किसी दिन फिर ज्वाइन कराना, फिर बात करेंगे। आप मैं उसी पर रहूंगा ना, एक सवाल का आपने गुफ्तगु नहीं की और आगे बढ़ गए। आपको बुद्धिज्म की और सुत्त पिट्टक की जानकारी है, तो मुझे सुत्त पिट्टक के हवाले से आप ये बताएं कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। जी शुरू हो जाए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दो मिनट का लगा दें इनको, टाइम 2 मिनट है। मैं देखो सुनो, अरे आप अपने देखो नहीं इतनी आजादी, तो मैं ये कह रहा हूँ आप मुझसे बाहर जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप मुझे, अब मुझे मालूम है कि आप मुझे, जब मैं थोड़ा सा बोलूंगा तुरंत आप उसमें से काट करके एक और क्वेश्चन आप बुद्ध की तरफ ले जाओगे। वेस्ट योर टाइम, आप सुत्त पिट्टक के हवाले से। चलो ठीक है, आप 2 मिनट में सुनो, ठीक है यार, मैं बुद्ध पे समझा, होल्ड ऑन। बुद्ध से पहले धर्म से चलता था पूरा संसार, 2 मिनट लगा लीजिए, और मैं बोलता रहूं तो 4 मिनट लगा लीजिए। नहीं, बुद्ध से पहले, हाँ बुद्ध से पहले धर्म पर चलता था पूरा संसार, और धर्म की जो मीमांसा थी, मीमांसा का मतलब होता है जो सोच या सॉफ्टवेयर इंसान का, वो 3 हिस्सों में टूटा हुआ था। पहला था तत्व मीमांसा, दूसरा था ज्ञान मीमांसा, तीसरा था आचरण मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के लिए, उसके तत्व मीमांसा के लिए जो आधार वाक्य था वो था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म को जानो, और उसका जो 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 जो
सब्जेक्ट था वो ब्रह्म था, आत्मा था, प्रकृति थी, तत्व था। अच्छा, ज्ञान मीमांसा का आधार वाक्य था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नेति नेति, चरेवेति चरेवेति। और ज्ञान कैसे बढ़ा, किसी के बारे में जाना कैसे जाता है, उसके लिए आपके यहाँ पे इल्लत और मालूल का जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म में था। कार्य कारण सिद्धांत, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते थे, तो उसे सांख्य कहा जाता था। तो सांख्य, न्याय, योग और वैशेषिक, इन चारों के जरिए से, न्याय के जरिए से कारण कार्य मिलता था, और किसी मेथोडोलॉजी न्याय शास्त्र से मिलती थी, और कोई व्यक्ति को आप्त कैसे बनाया जाए वो योग से होता था, और पूरी की पूरी प्रकृति का जो 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 अणु कैसे काम करते हैं, ये प्रकृति कैसे बनी, उसके लिए वैशेषिक था। तो इन चार शास्त्रों से हम ज्ञान मीमांसा को पूरा करते थे। अब आती है आचरण मीमांसा। आचरण मीमांसा का आधार वाक्य था अथा तो धर्म जिज्ञासा, यानी धर्म को जानो। आचरण धर्म से होगा, ज्ञान सांख्य न्याय वैशेषिक और योग से होगा, और तत्व के बारे में, जैसे आप ज्यादातर परमात्मा के अल्लाह के बारे में बात करते हो, ये तत्व मीमांसा है, उसके लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। लेकिन बुद्ध के टाइम हो गया भाई आपका, इस पूरे दो मिनट की गुफ्तगु में मैं बिल्कुल नहीं बोला, यानी मौजू के ऊपर ना बात करके इधर उधर की हांकने से क्या फायदा। आपने, आपको साबित ये करना था कि बुद्धिज्म का की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये है, और उस किताब से हवा साबित करना था कि जहां पर बुद्ध के जो श्लोक है उनको जमा किया गया है, ठीक है, सुत से। आप वहां से कहते कि ये रही किताब, ये रहा रेफरेंस, ये हमारी या बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पता नहीं कहां की, ईरान की, तुरान की, फिर अफगानिस्तान की, फिर तेहरान की। ऐसा है, देखो अभी मैं, अभी मुफ्ती साहब अभी मैं सूरह तौबा की अध्याय 9 की आयत नंबर 29 पूछूंगा। सुनो अब जैसे, हाँ ऐड करो जी। अच्छा हजरत, मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे ही, मैं सुनो एक मिनट, उनका बंपर रुक नहीं रहा। सवाल ये था कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। भाई जो बयान कर रहे हैं वो सनातन के 6 दर्शन बयान कर रहे हैं। वो यानी अच्छा, ये जो है ना, एक मिनट अभी रोहन सुन रहा हूँ भाई, रोहन जरा उसको ऊपर ले, वो भी तो बुद्ध है ना, उससे मालूम करेंगे कि ये बात जो कह रहे हो सही कह रहे हैं। रोहन को ऊपर ले, जगह बनाए रोहन के लिए। रोहन अगर तुम सुन रहे हो तो जरा सा कॉमेंट के अंदर यस या नो जो भी है वो कह दो, अगर आना है तो प्लीज। हाँ जी, तो भाई सत्येंद्र सिंह, बुद्ध का पसमंजर देना पड़ेगा कि नहीं, आप बताओ। ये पसमंजर है, अब उसके बाद बुद्ध ने क्या किया, अब सुनो, अब ना रोला नहीं डालते, बात सुनते हैं सामने वाले की, हम आपकी बात बड़े सबर और धीरे से सुन रहे हैं, आप भी सुनो, फिर हमें म्यूट करना पड़ता है। ये जो भोपू है ना, ये थोड़ा सा कम करो जी। अब बोलो आपके जी, बुद्धिज्म की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उस किताब के हवाले से जी। मैं रेफरेंस भी लिख रहा हूं ताकि उसको बाद में चेक किया जा सके। हाँ जी ठीक है। क्या है, बुद्ध ने क्या किया, इन तीनों को मिला करके एक आइडियोलॉजी दी, और उसने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अर्थात क्या है कि बुद्ध की शरण में आओ, यानी बुद्ध को फॉलो करो, और दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म की शरण में आओ, और तीसरा है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, संगठन में आओ। अब संगठन कैसे बनाना है, उसके लिए उन्होंने 8 आर्य व्रत दिए कि भाई इनको फॉलो करेगा, जो यम नियम आसन इस तरह के दिए, इनको फॉलो करने वाला बुद्ध होगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो गैर बुद्ध होगा। और गैर बुद्ध को बुद्ध बनाने की प्रक्रिया, जिस तरह से इस्लाम कहता है कि जो असहदु ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो मुस्लिम होगा, उम्मा का हिस्सा होगा, जो नहीं कहेगा वो गैर मुस्लिम अर्थात काफिर होगा, और काफिर जाहिलिया का हिस्सा होगा। तो आपकी जितनी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सारी की सारी बुद्ध से ड्रिवन है, यदि आप इस पर टाइम दोगे तो मैं और आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, चले सही है। अब मुझे एक बात बताएं कि बुद्ध की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, संगठन की शरण में आओ, तो ये संगठन क्या गवर्नमेंट कायम कर सकता है?
हाँ कर सकता है जितने ठीक है, सा इसने इसने भारत भारत के अंदर किया था। सही है, इस संगठन ने अशोक ने अशोक ने सुनो अशोक अरे सुनो यार कमाल की बात है, मैं जो आपने बताया उसी के वजह मांग रहा हूँ। इस संगठन ने जब गवर्नमेंट कायम कर ली तो क्या अभी एक बहुत गवर्नमेंट कायम हो गई तो क्या मुझे एज ए मुस्लिम बुद्धिज्म के खिलाफ तबलीग करने का हक है? हाँ बिल्कुल है, वो इसकी इजाजत देता है बुद्ध रेफरेंस। हाँ, हाँ? रेफरेंस है क्या? हाँ रेफरेंस है ना। हाँ, जब बुद्ध की आइडियोलॉजी पूरे स्वभाव पर थी उस समय पर शंकराचार्य अद्वैतवाद पढ़ा रहे थे। ठीक ठीक है, तो ये पूरा रेफरेंस है, अद्वैतवाद देख लो आप क्या लिखा है। नहीं, वो तो इस्लाम में भी है कि जिस वक्त इस्लाम जो है इस्लामिक गवर्नमेंट अपने शबाब पर थी तो उस वक्त यहूदी और ईसाई अपने अपने मजहब की किताबें पढ़ा रहे थे। नहीं, मक्का मदीना में जाने के बाद सारे यहूदी खत्म कर दिए, मक्का में आने के बाद सारे के सारे। ये फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। बात जो है जब आप एक स्कॉलरली लेवल पर कर रहे हो तो व्हाट्सएप वाली बात ना किया करो यार, ये गलत बात है। अभी तो आप अच्छी खासी बात कर रहे हो, अब एकदम जो है इधर उधर की बात करने लगे। इस्लाम अपने उरूज पर, इस्लामिक गवर्नमेंट अपने उरूज पर जब पहुंची है खलीफाओं में, चारों खलीफाओं में और मोहम्मद। ओ भाई ओ भाई ओ भाई जी, खिलाफत राशिदा का दौर हो या खिलाफत अब्बासिया या बनू मैया का, यहाँ इस्लामी गवर्नमेंट अपने उरूज पर थी और इस उरूज के जमाने में भी इस्लामी गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़ी तादाद ईसाई और यहूदियों की अपनी अपनी इबादतें कर रही थी, अपनी किताबें पढ़ा रही थी। अब बताओ क्या करें? एक सेकंड, आप मुझे मोहम्मद के समय पर जहां मोहम्मद का मोहम्मद की सत्ता कायम थी एक उदाहरण दे दीजिए। हमारी स्क्रीन पर बैठे हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहब कह दें, अगरचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। हाँ मोहम्मद साहब की, मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, ठीक नहीं कह रहे जी? हाँ ना, श्रीमान मोहम्मद कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कह रहे थे ना? हाँ हाँ मोहम्मद साहब कह रहा हूँ, ठीक है जी कहो। ठीक आगे मोहम्मद जी, मोहम्मद जी दो जगह गए, मक्का और मदीना। मक्का में जब तक मोहम्मद जी जिंदा रहे एक भी गैर मुस्लिम नहीं था, ना मदीना में जब तक जिंदा रहे एक भी गैर गैर मुस्लिम यानी यहूदी नहीं था, जबकि वो यहूदियों का ही शहर था, यात्रियों कहलाता था। अच्छा उसके बाद चार एक बात सुनो, ये सब है ना, हमसे कम से कम झूठ मत बोला करो, कम से इस्लामी हिस्ट्री के बारे में हमसे आके हमारे मुंह पे झूठ। तो यदि ये झूठ है तो इसे काट के दिखाओ आप, छोड़ दीजिए। असल बात ये है कि मदीना में सन 6 हिजरी तक, जब तक के खैबर का वाकया हुआ, बल्कि अहजाब तक, जंग अहजाब तक यहूदी मुकम्मल फ्रीडम और आजादी के साथ रहते रहे। जब हरकतें की तो उनको खैबर में बसाया गया, फिर खैबर में हरकतें की तो उनको इस्लामी गवर्नमेंट में ही उनको दूसरे शहर में बसाया गया। ये नहीं कि इस्लामी गवर्नमेंट से उनको निकाल दिया था। और वो आज तक भाई आप देखें कि कॉप्टिक ईसाइयों की मिस्र में कितनी बड़ी तादाद है, ईसाइयों की फलस्तीन में, शाम में, जॉर्डन में कितनी बड़ी तादाद है। ये कहां से आए हैं सारे? ये सारे अरबी बोलते हैं, ये सारे वही क्रिश्चियन है जो इस्लामी गवर्नमेंट में बाकी रह गए थे। तो इसलिए ये कहना फालतू की बात है कि जी उनको खत्म कर दिया था। असल आपकी जो बात है वो ये कि आपने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई बुद्धिज्म की, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आपने कहा कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत अच्छी बात है, होगी। योहान को नहीं पता था, आपको पता है, आपने बता दिया। अब क्वेश्चन ये था कि इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ तबलीग करना उसकी इजाजत है या नहीं, तो मुझे वो साबित करें। आप ये ना कहें कि जी शंकराचार्य तालीम दे रहे थे अपने मजहब की, वो तो आप इस्लामी गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं काम, उससे मसला नहीं है। आप ये कहिए कि कन्वर्जन, क्या बुद्धिज्म के दौरान कन्वर्जन बुद्धिस्टों में, बुद्धिज्म की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कन्वर्जन उस तरीके से चल रहा था जैसा कि आज होता है दुनिया भर में जी, और उसका मुझे रेफरेंस चाहिए कि उसकी अलाउड, वो अलाउड है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी, वैसे ही नहीं कह सकते। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि मोहम्मद साहब के समय पर उस इलाके में मुझे हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं है, अपने यहाँ साबित करो बुद्धिज्म में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये साबित करना है। जब आप अपने सवालों के जवाब से भागते हो तो मुक्ति होने का क्या फायदा है फिर बताइए? भाई आपको मुझसे गुफ्तगु करनी है या तानाज़नी करनी? गुफ्तगु मौजूद है, अब देखो मौजूद है, अगर हमसे अगर तानाज़नी करनी। हाँ हजरत ये देखो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, अगर इनसे सुने सत्येंद्र साहब सुने बात सुने जी, आप जी। जो है अद्वैत वेदांती के जो बानी हैं आदि गुरु शंकराचार्य, उनसे
और जो है आप बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो है वो मान्यता दे रहे हैं, जबकि आपको पता होगा और आपको पता है, लेकिन आपने बात वहीं पे रोक दी कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सारे बुद्धिस्टों को हरा के अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी को खड़ा किया। सब जो इंडिया में जो रेवोल्यूशन आया है अद्वैत वेदांता का, और जो सबसे मजबूत फिलॉसफी मानी गई है वो इसी बुनियाद पे मानी गई है कि बुद्धिस्टों को उन्होंने हराया है। न सिर्फ हराया है बल्कि मैसेकर किया भाई, मैसेकर किया है, और होल्ड ऑन ठीक है, मैसेकर किया आप मैसेकर का, आप शंकराचार्य ने मैसेकर किया है, उसका एक सुनो, उसका एक, उसका एक 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 रेफरेंस आप दे दीजिए कि शंकराचार्य ने हराया है तलवार से, आप एक रेफरेंस दे दीजिए। अभी देता हूँ, रुक जाए, अभी रुक देता हूँ, रुक जाइए जरा साहब, बैक स्टेज करें इनको, अगले कॉलर को लें और मैं भी रेफरेंस निकाल रहा हूँ, होल्ड ऑन, आ जाना मत, जाना नहीं है जी भाई, पढ़ें जी पढ़ें, आप ही पढ़ें। अब क्या आपने मेरा क्या मेरा स्टेटमेंट आपने सही से सुना था? आपने कहा कि मैं से नहीं हुआ ना, तो जी अब शुरू करें पढ़ें। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मैंने स्टेटमेंट ये था कि उसने शंकरा, अरे सुनी, अरे सुन लीजिए ना, क्या शंकराचार्य ने लोगों का कत्ल करने का हुक्म दिया था? स्क्रीन पर जो लिखा है पढ़ने में दिक्कत है कुछ? मेरी बात तो सुनो आप, अब मैं एक पांच सेंटेंस कहूंगा फिर आप दिखा देना, दिखा रहे हैं तो ये टाइम जाया कर रहा है, उसको निकालें, कोई फायदा नहीं है। दोस्तों आप लोगों की राय क्या है सुत्तू को लेकर, सत्येंद्र सिंह को लेकर और मुफ्ती यासीन अदीमल वाजिदी साहब को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।